आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के संभल से है, जहां अपहरणकर्ताओं ने दिन दहाड़े एक 4 साल के छात्र का अपहरण कर लिया और छात्र की मां को फोन पर 8 लाख की फिरौती की मांग की। अपहरण की सूचना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस अधीक्षक संभल ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन भी की। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस काम कर रही है, प्रयास है कि जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। वहीं दिन दहाड़े छात्र के अपहरण से कानून व्यवस्था के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि छात्र के पिता ग्राम पंचायत में अधिकारी हैं। बेटा मैं तो 4 बजे उठी, 1:30 बजे तक मेरा बच्चा था, पतंग उड़ाया है, फिर मैं सो गई, फिर मेरे से मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, कौन ले गया, मुझे नहीं पता, कोई नहीं आया। मेरे पास फोन आया, मैं जब उठी तो मैं उठी, मैंने देखा फोन बजा, मैंने कहा युवराज कहाँ, युवराज कहाँ, इतने देर में युवराज कहाँ, इतनी देर में फोन आ गया कि वो तुम्हारा वो मेरा बेटा ही बोल रहा था। मेरा बेटा मुझसे ये कह रहा कि मॉम मैं डैडी के दोस्त के साथ हूँ, इतना ही फोन ले लिया। बल्कि कौन से दोस्त के साथ बता नहीं पाया कौन से दोस्त के साथ है वो। फिर उसके बाद उसने बताया, उसने फोन ले लिया, जो उसे लेकर गया बोला यार ना तुम्हारा लड़का काशीपुर है और ऐसा 8 लाख रुपये लेकर यहाँ आ जाओ, काशीपुर आ जाओ, 8 लाख रुपये लेकर काशीपुर आ जाओ, 8 लाख रुपये लेकर काशीपुर आ जाओ। और तो मैंने कही तू मेरे बच्चे को कुछ मत करिए, मैं 10 लाख रुपये लेकर आ रही हूँ, इतनी बात हुई, इतना फोन काट दिया। बोले मैं कल बात करूँगा। तीन टीमें बनाई गई है, इसमें भी प्रथम दृष्टया जो जानकारी में मिली है और इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सारी तरीके से ट्रैक किया जा रहा है।